हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, याद करते हैं या नहीं, क्या मतलब मिसिंग एनर्जी है या नहीं। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का रहता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, अगर करते हैं तो कितना। ठीक है, और फोकस थोड़ा सा हिल रहा है। 1 सेकेंड। ओके, लेट्स सी। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं? आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, जिस इंसान के बारे में भी सोच रहे हो, क्या वो इंसान आपको मिस करता है? या फिर आपको याद करते हैं? एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें। ओके, तो आप इस जिस पर्सन के बारे में देख रहे हो उनकी साइन हो सकती है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरी, सजिटेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ठीक है, देखो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर पूछ रहे हो, क्लियरली यहाँ पे बॉटम एनर्जी में है कि यस, वो आपको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो आपको मिस करते हैं, लेकिन वो ये बात दिखाते नहीं हैं, उनको ये बात छुपा के रखना पसंद है। ठीक है, तो जिस जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, एक चीज़ ध्यान में रखो कि इस इंसान को चीज़ें हाइड करने में अच्छी लगती है, ना कि इस इंसान को चीज़ें शो करने में, दिखाने में। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आके आपको बोलेंगे कि मैं देखो तुम्हें इतना प्यार करता हूँ या फिर इतना प्यार करती हूँ या फिर इतना मिस करता हूँ, तो वो चीज़ बहुत कम रेयर कुछ को केसेस में होंगे, क्योंकि मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है वो करते सब कुछ हैं पर दिखाते कुछ नहीं है। ठीक है, इस पर्सन का नेचर मुझे थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा संकी किस्म के है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन इनके अंदर है, थोड़ा सा गुस्सा इनके अंदर है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। तो अगर इंसान चिड़चिड़ा होगा, गुस्से वाला होगा या फिर बहुत प्रैक्टिकल होगा, तो कैसे वो अपनी फीलिंग्स को इजहार करेगा? तो इतने सब कुछ फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये इंसान आपको कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, ये पर्सन गुस्सा करते हैं जब भी वो आपकी कोई गलती देखते हैं, आप किसी और के साथ गलत कर रहे हो या फिर खुद के साथ गलत कर रहे हो, वो जब भी देखते हैं तो एक उनको एक बड़ा गुस्सा आता है आपके ऊपर। वो कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता है अगर वो बोलेंगे आप समझ जाओ कि उसने आपके ऊपर नज़र रखा है, या फिर यू नो किसी ना किसी तरीके से या तो नज़र रखा है या फिर स्टिल वो पोजेसिव है आपके लिए। तो इसीलिए गुस्सा आने के बावजूद भी वो कंट्रोल कर लेते हैं, काफ़ी कंट्रोल करने वाले पर्सन है। ठीक है, ऐसे मुंहफट इंसान ये मुझे नहीं दिख रहे हैं, जो दिल में आया वो जुबान पे रख दिया, बोल दिया, ऐसा इंसान वो बिल्कुल नहीं है। खुद की फीलिंग्स को, इवन ये इंसान ऐसे हैं कि खुद के मन को भी मार देते हैं। उनको जब बोलना नहीं होता है आपसे कि उनके दिल में क्या है, या फिर वो जब गुस्सा होते हैं तो वो इतना कंट्रोल करते हैं, उससे उनको भी तकलीफ होती है, बट उस चीज़ को भी वो साइडलाइन कर देते हैं कि ठीक है मुझे तकलीफ हो रही है तो होने दो, उसको भी तो मैं तकलीफ दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ, मतलब वो तकलीफ में भी इक्वली इक्वल कर देते हैं खुद। वो अगर तुम भुगत रहे हो मैं भी तो भुगत रहा हूँ ना, इस तरीके से। ठीक है, ये पर्सन और आप एक बहुत ही अच्छे सोलमेट कनेक्शन को शेयर करते हो। ठीक है, और एक चीज़ है, मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ आई नो, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो प्लीज़ कोई आके ये मत बोलना कि माइक सही से लगा लो ये वो, मेरा गला ख़राब है, मैं ज़ोर से बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो काइंडली अंडरस्टैंड। और रीडिंग को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, मतलब एनर्जी एक्सचेंज तो आपको करनी ही करनी है।
तो मोस्टली मुझे यही लग रहा है कि क्योंकि आप दोनों इतना ब्यूटीफुल, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट बॉन्ड है, तो ये पर्सन तो लाइक चाह के भी आपको भूल नहीं पाते हैं, चाह के भी आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। और एक बात है, इनके मन में आपके लिए बड़ा ही दर्द है, मतलब एक सिंपथी जिसको बोलते हैं ना, कि इनके दिल में बहुत ही ज़्यादा सिंपथी है आपके लिए, ठीक है। जैसे कि आपको कोई तकलीफ में देखते हैं तो इनको भी बुरा लगता है, और मतलब मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि आपको तकलीफ में देख के ये पर्सन को भी 60-70-80% तक तकलीफ होती है। काफ़ी ईगो है इस इंसान के अंदर, ये ईगो को दिखाते हैं। आई डोंट नो आपको कितना पता है या फिर नहीं पता है, बट इनके अंदर थोड़ी ईगो है, या फिर इनके अंदर थोड़ी वो भावना है कि मैं बहुत ऊपर हूँ, या फिर मेरा जो लेवल है वो बहुत ऊपर है, इस तरीके से, ठीक है। और एक चीज़ है कि ये पर्सन जो है ना, बहुत मुँहफट है, बोल देते हैं मुँह पे, तो आपको बुरा लगे अच्छा लगे इससे उनको फर्क पड़ता है, बट मुँहफट है, वो क्या करें, वो फील करते हैं कि ये तो मेरा नेचर है, तो मैं क्या करूँ, मैं इस नेचर को तो छुपा भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं, ठीक है। जैसे पीठ पे छुरा भोंकते हैं, सबका नहीं, अगेन सबका नहीं, कुछ स्पेसिफिक लोगों का बोलूँगी कि ये हुआ है, और इनको भी पता है, उन्होंने ये चीज़ किया है, अभी अच्छे दिन का ये खुद भी इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ बेटर डेज का, या फिर कुछ बेटर होने का, ये खुद भी कहीं ना कहीं मुझे इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। और ये पर्सन आपको इतना मिस करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जल्द से जल्द, चाहे ऑन ऑफ सिचुएशन ही सही, वो आपके साथ करें और फिर कांटेक्ट करें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते हैं, कांस्टेंट आपके साथ रह नहीं पाते हैं, या फिर आपके लाइफ में रह नहीं पाते हैं, बट इनका कॉन्स्टेंटली आना जाना, इन एंड आउट लगा रहता है, और इसी चीज़ से ही इस इंसान को सुकून मिलता है। अगर ये पूरी तरीके से स्टेबल होके आपके लाइफ में नहीं रह पाए, 100% नहीं रह पाए, तो इनको सुकून मिलता है ऑन ऑफ करके, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इन करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मिसिंग में ही मैं बोलूँगी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का अट्रैक्शन भी मुझे इस इंसान का दिख रहा है, जैसे पैशनेट एक कनेक्शन होता है, तो आपके साथ मुझे बड़ा ही वो पैशन उनका दिख रहा है, जैसे हाई लेवल का अट्रैक्शन होता है, बस किसी की तरफ खींचे चले आना, प्यार तो है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, दिल से दिल का रिश्ता उसके उस वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा एक जो होता है ना, कि प्यार से ज़्यादा और लस्ट से कम, एक पैशन होता है वो मुझे दिख रही है, ठीक है। लस्ट नहीं है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी द चैरियट के साथ, कि ये पर्सन अभी बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब वो जैसे हैं वैसे का वैसा आपको नहीं दिखाते हैं, चीज़ें छुपाते हैं, फीलिंग्स को छुपाते हैं, और कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि वो थोड़ा बदले खुद को, वो थोड़ा इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाए कि मैं बोल सकती हूँ कि वो थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाए, और थोड़ा सा अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना, और अपनी हिडन जो साइड है, देखो हर इंसान का अच्छा बुरा साइड दोनों होता है, तो उनका खुद का एक बुरा साइड है जो शायद आपने देख लिया है या फिर नहीं देखा है, तो वो चाहते हैं कि वो ऐसे ट्रांसपेरेंट रहे जिससे आपको उनकी हर साइड के बारे में पता चले, ठीक है। और पता चलने के बाद आप वेट कर रहे हो, फिर डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है द चैरियट के साथ कि ये पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह आप तक आना चाहते हैं, आपको सच बोलना चाहते हैं, और आपके साथ एक सच्चे इंसान की तरह रहना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, जो चीज़ ठान लेते हैं वो चीज़ को वो करते हैं, तो अगर ये ठान रहे हैं, या फिर अगर ये सोच रहे हैं कि उनको एक लेवल तक इस रिलेशनशिप में स्टैंड लेनी है, या फिर उनको कुछ एफर्ट डालनी है, तो वो ज़रूर डालेंगे, चाहे आपकी मर्ज़ी हो या फिर नहीं हो, फिर बाद में फिर उनकी मूड चेंज ही क्यों ना हो जाए। बट एक होता है ना कि इंसान बस सो के उठा है और दिमाग में कुछ घुस गया और उसने कर लिया, उसको पता भी नहीं चलता है कि दिन है रात है क्या है, तो मुझे यही मोस्टली लग रहा है कि यही चीज़ है कि बस इन्होंने कुछ ठाना है,
इनको ये आपको इतना मतलब याद करते हैं कि बोलना है उनको कुछ, ठीक है। और किस चीज को याद करते हैं पता है, आप लोगों की ओल्ड मेमोरीज को, ठीक है। जब आप दोनों बिल्कुल साथ थे, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, तो इस वक्त जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे का साथ देते थे या फिर एक दूसरे के साथ रहते थे, एक एक ओल्ड मेमोरी, ठीक है, पुरानी मेमोरी जो आप दोनों के बीच में था ना, वो स्टिल उनके जहन में वैसे ही ताज़ा है, आपके जहन में भी ताज़ा है और उनके जहन में भी ताज़ा है। देखो एक चीज मैं बोलूंगी कि ये आपको कोई रोके धोके मिस नहीं करते हैं, ये आपको चुपचाप साइलेंटली मिस करते हैं। आते हैं सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन पे देखते हैं, व्हाट्सएप इंस्टा वगैरह पे, और फिर चले जाते हैं, ठीक है। कि आपको कुछ ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, कुछ ज्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते, बस चुपचाप अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं, दैट्स इट। यही सिचुएशन मुझे इनका दिख रहा है, यही मुझे इनकी और जो भी इच्छाएं हैं वो आपके लिए दिख रही है, ठीक है। इनको और काफी ऐसी रोमांटिक फीलिंग्स है जो वो आपके लिए याद करते हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्यार प्यार फीलिंग्स या फिर पैशन पैशन फीलिंग, काफी आप दोनों ने रोमांटिक जो टाइमिंग स्पेंड किया है साथ में, या फिर अगर आप बहुत रोमांटिक थे तो उस चीज को भी ये बहुत ज्यादा याद करते हैं, ठीक है। आपके बारे में मुझे ये कोई नेगेटिव चीज याद रख के, उसी चीज के ऊपर गुस्सा होके, उसी चीज के ऊपर इश्यू बना के, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे बहुत नॉर्मल दिख रही है चीजें, कि बस वो आपके साथ प्यारी यादों को जोड़ के रखे हुए हैं, प्यारी यादों को प्यार से याद करते हैं और प्यार से खुद भी सफर होते हैं, आपको भी सफर करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रीडिंग का जो पर्पज था, क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं, यस करते हैं, कौन से बातों को। और एक चीज है, आप अगर बहुत बचकानी हरकतें करते थे, बचकानी हरकतें मतलब ये कि बचकानी मतलब ये मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा क्यूट बिहेवियर या फिर आपका हंसना, जब इंसान किसी को प्यार करता है तो वो उसके सामने एक बच्चा के जैसा बिहेव करता है, मैच्योर इंसान के जैसा नहीं करता है। जो लोग भी ट्रू लव करते हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, आप इनके सामने कभी कोई इतना मैच्योर बिहेव आप नहीं करते होंगे जिससे उनको लगे कि अरे बाप रे ये तो बड़ी ही मैच्योर है। नहीं, मैच्योरिटी दिखाते होंगे क्योंकि आप प्यार करते हो उनसे। तब अगर उन्होंने वो बात को बुरी बोली थी, इस वक्त वो उस बात को सोचते हैं और बहुत मिस करते हैं, आपकी उसी प्यारी प्यारी यादों को बड़ा मिस करते हैं, आपको बड़ा मिस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यही दिख रहा है कि वो ओल्ड ब्यूटिफुल क्यूट मेमोरीज को याद करते हैं, ठीक है। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है गॉडेसेस ऑफ लव। ये पर्सन आपको गॉडेसेस ऑफ लव मानते हैं, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, मतलब प्यार की देवी। मतलब ये कि उनको आप में सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आता है, उनको आप में कोई खामियां नजर नहीं आती है, कोई कमियां नजर नहीं आती है, उनको आप में प्यार नजर आती है, एक प्यारा सा इंसान नजर आता है। आई थिंक आप उनके नज़र में अभी भी एक अच्छे इंसान हो, उन्होंने आपके साथ क्या किया वो अलग बात है, बट एज ए ह्यूमन बींग आप उनके नज़र में अभी भी बहुत एक केयरिंग पर्सन हो, और वो आपकी केयर को भी बहुत मिस करते हैं। आप जिस तरीके से उनकी केयर लेते थे, या फिर जिस तरीके से, या तो अगर आप उनको फाइनेंशियली हेल्प भी करते थे, मेंटली हेल्प भी करते थे, स्ट्रेस रिलीज के लिए कुछ भी, आप हमेशा खड़े रहते थे उनकी हेल्प के लिए, कि चलो तुम्हें क्या इशू है, बस हम तैयार हैं आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। इस तरीके से जब आप करते थे, ट्रस्ट में ये पर्सन उस चीज को बहुत ज्यादा याद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनर क्वेस्ट, अंदर से दुख, और द सर्वाइवर्स, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो चीज़ मुझे दिख रही है कि आई थिंक मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सरवाइव करे, वो ऐसा डूबे ना, वो ऐसा ख़त्म ना हो, तो वो सरवाइव करके रखवाना चाहते हैं इस रिश्ते को। और उनके अंदर से एक बड़ा दुख भी है, ठीक है, एक जो कुछ तकलीफ बोले नहीं जा सकती है या फिर दिल में नहीं रखा जा सकता है, तो उनके अंदर वो चीज़ है, वो ना इसको बोल पा रहे हैं ना इसको बयां कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर आपसे जुड़ी हुई जितनी भी इश्यूज हैं उसके ऊपर वो सिर्फ दुख जता रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।